हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जाइए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास में लगे बेल आइकन को दबा ही दो, जिससे कि क्या होगा, जब भी मैं कोई सा नया स्नैक्स का वीडियो अपलोड करूंगा तो आप उसको देखने वाले सबसे पहले व्यूवर्स बन पाएंगे। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप मेरा एक भी स्नैक्स का वीडियो मिस करें, क्योंकि मेरे सारे स्नैक्स के वीडियो कमाल धमाल झमाल माला माल होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट वाउचर उनमें से निकलते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम जल्दी से हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जाइए जाके अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का जो मैं कलेक्शन ऑफ स्नैक्स लेके आया हूँ, आपको दिख रहा होगा, मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए बंदर का खजाना। वाह, काफ़ी अच्छा, काफ़ी मज़ेदार है। मैंने लास्ट टाइम भी इसको अनबॉक्स किया था और काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट वाउचर्स इसमें से निकले थे। सो आई होप दिस टाइम भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट वगैरह मुझे मिले। तो चलिए बिना किसी देर के हम जल्दी से इसको करते हैं अनबॉक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा जो स्नैक्स जो है वो बंदर का खजाना है यहाँ पे, और ये जो है रितु कंपनी का, और इसके अंदर से मुझे क्या क्या मिलता है आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्री गिफ्ट ही गिफ्ट इनसाइड, काफ़ी गिफ्ट है इसमें से। मनी मिलेगी, एरोप्लेन मिलेगा, और यहाँ पर स्पिनर मिलेगा, यहाँ पर गिटार है, पैसे हैं, बंदर मामा मोबाइल और पता नहीं क्या क्या है। तो चलिए इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। देखिए कब बना था ये, यहाँ पे आपको पीछे एक्सपायरी डेट वगैरह भी दिख जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ओनली 5 रुपीज़ का है, 5 रुपये में आप इसको परचेस कर सकते हो। तो देखिए अब जल्दी से मैं इसको करता हूँ अनबॉक्स, तो देखते हैं इसमें से हमें क्या मिलता है। तो पहले बंदर के खजाने को मैंने यहाँ से कर दिया है अनबॉक्स, और देखता हूँ इसमें से मुझे क्या मिलता है। देखिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ऑप्शन मुझे इसमें दिख रहे हैं। तो इसमें क्या मिलता है मुझे, ओ माय गॉड, इसमें से मुझे मिला है 1 kg। वाओ, मुझे इसमें से मिली एक सीजर मिली है, कमाल का ऐसा कलर कॉम्बिनेशन। मैं इसको जल्दी से अनबॉक्स करता हूँ और देखते हैं इसमें से किस तरह की सीजर है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इसका पिंक कलर जो है लाइट पिंक और डार्क पिंक करके है, और ये इस तरीके से चलती है और काफ़ी अच्छी है। देखिए ग्रिप भी इसकी काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी मज़ेदार। अगर आपको पसंद आएगा, अगर आपके पास इस तरह की सीजर है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है, खेलने के लिए काफ़ी मज़ेदार है टॉयज। वाओ, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। लास्ट टाइम जो निकल सकते थे, यहाँ पे देखिए स्क्रू भी लगा हुआ है। देखिए मैं इसको हाथ वाथ सब पे चला रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है और कुछ निकल भी नहीं रही है। चलिए इसको हम रख देते हैं साइड पर। अब हमारा दूसरा जो है बंदर का खजाना स्नैक्स, उसको हम अनबॉक्स करते हुए देखते हैं कि इसके अंदर से हमें क्या मिलता है। होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस। अगर आपको कुछ पता है कि इसमें से क्या निकल सकता है, कुछ गैस वगैरह कर रखा है आपने, तो मुझे नीचे कमेंट करना ना भूलिए, जल्दी से जाके मुझे कमेंट करके बता दीजिए। चलिए इसको भी मैंने कर दिया यहाँ से अनबॉक्स, और देखते हैं इसमें से मुझे क्या मिलता है। होप फॉर द बेस्ट, कुछ ना कुछ अच्छा ही मिल गया मुझे यार। मैं सोच रहा हूँ, ओ माई गॉड, यहाँ पर मुझे मिला है, ओ माई गॉड, ये क्या है यार, वॉट इज दिस। आपको पता है तो मुझे नीचे कमेंट करना ना भूलिए। ये मुझे क्या मिल गया इसके अंदर से, डीफ का लॉकेट। वाओ, डीफ और क्या है भाई, डीफ और डॉन होता है क्या होता है, आई डोंट नो। ये लॉकेट देखिए, सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर डी लिखा हुआ लॉकेट हमें मिला है, और इसके अंदर से हमें गोप वगैरह ब्लैक कलर की मिली है। तो इसको इसके अंदर फिट कर देते हैं और इसको यहाँ से आप गले में पहन सकते हैं। देखिए वाओ, कमाल का है। अगर किसी का नाम डी से स्टार्ट होता है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, तो मैं उसको गिव अवे कर दूंगा ये चीज़। अगर आपको चाहिए तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। तो लॉकेट जो है वो लाजवाब है, और डी जो है वो तो एकदम कमाल का ही। चलिए इसको भी रख देते हैं साइड में। अब आते हैं हमारे अगले बंदर के स्नैक्स में, वो देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। इसको होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस। तो इसके चलिए मैं जल्दी से कर देता हूँ अनबॉक्स, देखते हैं इसके अंदर से हमें क्या मिलता है। इसको मैंने यहाँ से खोल दिया है और इसमें से देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैंने इसको करा है अनबॉक्स, ओ माय गॉड, इसमें से मुझे मिली है एक बाइक। वाओ, सुपर बाइक है यार, कमाल धमाल मचाने वाली बाइक है। आई होप आपके पसंद आई होगी यार। देखिए सुपर बाइक मिली है मुझे यहाँ पे, एकदम सुपर बाइक। वाओ, क्या लुक है इसका। आई होप अगर आपको पसंद आए तो मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरे को तो काफ़ी फेवरेट है और काफ़ी अच्छी लगी ये बाइक है। इसके टायर भी देखिए काफ़ी फ्री हैं। वाओ, लुक देखिए किसी सुपर बाइक से कम नहीं। इसका हैंडल वगैरह ने जो मॉडल जिसने भी बनाया ना, कमाल का ही बनाया है इसको, कमाल धमाल। ये देखिए टायर भी क्या तेज़ घूम रहे हैं इसके। देखिए इसको यहाँ से हमने ये देखिए, ओ चल भी इसको धक्का मारो तो कितनी दूर तक जाती। देखिए यार, वाह, इतनी स्लो मारा मैंने फिर भी इतनी दूर तक के, ओ हो, काफ़ी तेज़ जा रही है, कमाल की है यार। वाह, हमारी सुपर बाइक। अगर आपको पसंद आए तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बता दो। अगर आपके पास है तो आप मुझे कमेंट कर ही दो कि आपके पास सुपर बाइक है इस तरह की, और कभी आपको इस बंदर के खजाने में से कुछ इस तरह के आइटम्स मिले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
चलिए इसको भी मैं रख देता हूँ साइड में। अब हम पिक करते हैं हमारे अगले स्नैक्स को जो है रितु का खजाना। वाव, रीना कमाल का हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार इसके अंदर रितु का खजाना मिला है। तो चलिए इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से अनबॉक्स और देखते हैं कि इसमें सब हमें क्या मिलता है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ से कर दिया अनबॉक्स और इसको अब यहाँ से कर देते हैं इसके अंदर डाल के देखते हैं क्या मिलता है। ओ माय गॉड, मुझे यहाँ से मिली एक थार। वाओ, हेना कमाल की थार जी, पूरा थार जैसा लुक है यार। मतलब बाकी भी ओरिजिनल थार नहीं है, हमें नॉर्मल है, लेकिन कमाल की है यार। जीप तो जीप होती है भले कोई सी भी हो, हमें सब भी जीप को एक ही जीप बोलते हैं थार। और इसका लुक भी है काफ़ी अच्छा, काफ़ी कमाल का। देखिए, और मैंने आपको इसका टेस्ट करके नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता ही होगा। चलिए फिर भी मैं आपको बता दूंगा टेस्ट करके। लेकिन देखिए ये भी चलती है हमारी जीप यार, थार जीप भी इसके अंदर से चल रही है। ओ माय गॉड, अगर आपको पसंद आई है इस तरह की जीप तो मुझे डेफिनेटली कमेंट कर दो, एक लाइक का बटन तो है उसको दबा ही दो यार। वाओ, इसके टायर ब्लू कलर के हैं, इसके मलघाट जो है वो रेड कलर का है, ऊपर जो बॉडी है वो इसकी येलो कलर की। तो कमाल धमाल जी, तो इसको भी रख देते हैं साइड में। अब इसका टेस्ट भी आपको बता ही देता हूँ मैं, कमाल का है। वाओ, इसको खाओ तो ऐसा लगे खाया जाओ, एक से कुछ नहीं आवाज़ में, दो तीन में कमाल धमाल की बचाने वाला। चलिए अब हम अपना हमारे बंदर का स्नैक्स अनबॉक्स करके देखते हैं इसमें से हमें क्या मिलता है। कर दिया है हमने इसको यहाँ से अनबॉक्स, तो देखते हैं इसमें से अब हमें क्या मिलता है। ओ, इसमें से मिली है हमें सीटी। वाओ, देख सकते हो आप, मुझे ये यूनिक सीटी दिख रही है। मुझे कैसी है मुझे पता नहीं, लेकिन इसको मैं अनबॉक्स करके देख लेता हूँ किस तरह की सीटी है ये। ये बॉक्स वाली सीटी है, देखिए यहाँ से इस तरीके से, और इस तरीके से आपको इसको फूंक मार के चलाना होगा। आवाज़ काफ़ी कम है लेकिन जो भी कमाल, चलिए इसको भी अगले साइड में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारी जो है हमारी बंदर का खजाना, इसको हम कर देते हैं यहाँ से अनबॉक्स, देखते हैं इसमें से हमें क्या मिलता है। यहाँ से मैंने इसको कर दिया अनबॉक्स, तो देखते हैं इसमें से मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ ज़बरदस्त मिल जाए। तो यहाँ से मुझे क्या मिला है, ओ यहाँ से मुझे मिला है एक रिंग। ओ माय गॉड, एक ये जो है हमारी स्माइली फेस वाली मुझे रिंग मिली है, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी मज़ेदार है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने यहाँ पे 6 हमारे बंदर के खजाना स्नैक्स को अनबॉक्स किया था, उन सब में से हमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली आइटम्स मिले। तो क्या क्या मिला, सबसे पहले मुझे थार जीप मिली है पूरी, उसके बाद ये सुपर बाइक, वाओ, उसके बाद ये हमारी रिंग मिली हमारी, उसके बाद सीटी थी हमारी 4th नंबर की, 5th नंबर पर हमें मिला था एक लॉकेट, वाओ वाओ वाओ, और लास्ट नॉट द लीस्ट हमें मिली थी सीजर। तो हमें 6 आइटम्स में से 6 स्नैक्स में से 6 हमें गिफ्ट मिले। चलिए इन सबको रख देते हैं साइड में, और आप देखिए स्नैक्स की क्वांटिटी देखिए कितनी है, पूरा मेरी ट्रे भरा के यहाँ पे बाहर नीचे गिर रही है। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और पास में लगे बेल आइकन को तो दबा ही दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई सा नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। अगर आपका कुछ सजेशन है, कुछ सुझाव है, अगर आपको मुझे कमेंट करके बोलना चाहते हो कि आप स्नैक्स के वीडियो ज़रा अलग तरह के बनाए, आपको अगर कुछ भी सुझाव है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, मैं उस पर डेफिनेटली वर्क करके उसको अच्छे से आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले किसी स्नैक्स के वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।